प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने गण का निर्धारण कैसे होता है व छंद के भेद और विशेषतः लौकिक छंद के भेद मात्रिक और वर्णिक छंद जो है पढ़े हमने, और मात्रिक छंद और वर्णिक छंदों के भी विभिन्न भेदों का अध्ययन किया। आज से हम इस कक्षा में मात्रिक छंद जो हैं उनके लक्षण और उनके उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम मात्रिक छंदों में जो छंद पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, वह है चौपाई छंद। चौपाई छंद जो है यह सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद हम जानते हैं कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान हो तो वह सममात्रिक छंद कहलाता है। आज हम मात्रिक छंदों में जो भी छंद पढ़ेंगे वो सब सममात्रिक पढ़ेंगे, अर्थात उनके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी। चौपाई छंद चौपाई नाम से पता चलता है, चार पैर है ना, मतलब चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। हम जब मात्राएं लगाएंगे स्वरों की तो वो 16 होगी हर चरण में। चौपाई चरण की एक विशेषता ये भी है कि अंत में गुरु लघु नहीं आएगा, है ना। लघु लघु आ सकता है, लघु गुरु आ सकता है, लेकिन गुरु लघु नहीं आएगा। तो चौपाई की एक विशेषता और है, वो यह है कि चौपाई में पहले और दूसरे का तुक मिलेगा, तीसरे और चौथे का तुक मिलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। देखिए, हमने जीवन में बहुत सारी चौपाइयाँ सुनी पड़ी है, है ना। हिंदुओं के घरों में जो हनुमान चालीसा होता है वो हनुमान चालीसा संपूर्ण चौपाई छंद में है, है ना। जैसे मैं आपको चार पंक्तियाँ बोल के सुनाता हूँ चौपाई छंद की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैंने चार पंक्तियाँ पढ़ी, ये चार चरण मिलकर चौपाई बनाते हैं। जैसे पहली पंक्ति थी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के प्रत्येक वर्ण में यदि हम मात्रा लगाएंगे तो कुल 16 मात्राएं आएगी। दूसरी बात ये कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर गर ग और र में लघु लघु है, देखिए अंत में गुरु लघु भी नहीं है। अच्छा, पहले व दूसरे का तुक मिलेगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, सागर उजागर तुक मिल रहा है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, ये दो चरण तीसरा और चौथा हो गया। रामदूत अतुलित बल धामा, धामा आ आ धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, तो ये तुक मिल रहा है तीसरे और चौथे में। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होना चौपाई की विशेषता है। जैसे एक चौपाई और है, तुलसीदास जी के रामचरितमानस जो है वो दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है, उसमें अनेक चौपाइयाँ हैं। जैसे ये एक चौपाई है जो ईश्वर प्रभु परमात्मा के लिए लिखी गई है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ योगी। तो ये जो चौपाई है इसमें चार चरण मैंने बोले और इन चारों चरणों में 16 मात्राएं हैं, अंत में गुरु लघु नहीं है। अच्छा, चौपाई के जो दो चरण होते हैं वो अर्धाली भी कहलाते हैं। चौपाई के दो चरणों को हम अर्धाली कहते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये दो चरण हुए तो ये एक अर्धाली हो गई, है ना। तो चौपाई छंद हो गया। चौपाई की तरह एक छंद हमारे पाठ्यक्रम में है, वो चौपाई है।
चौपाई और चौपाई इन दोनों में एक अंतर, मूलभूत अंतर यह है कि चौपाई में प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती है, जबकि चौपाई में 16 मात्राएं होती है ना। जैसे एक पंक्ति है, बापू तुम थे पुरुष महान, तो इसमें यदि मात्राएं लगाएं तो 15 आने से जो है ये चौपाई छंद हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे छंद की, सम्मात्रिक छंद रोला की। रोला देखिए, मारवाड़ी में अपने एक बात कहे कि घर में जब कोई, वैसे मैं ये आपको याद करवाने के लिए ही बता रहा हूँ, ये तकनीकी परिभाषा या तकनीकी बात नहीं है, केवल याद रखने के लिए। रोला छंद को कैसे याद रखा जाए, तो अपने मारवाड़ियों में इधर जब घर में कोई बहुत ज़ोर से बोलता है तो उसको हम कहते हैं रोला मत कर, है ना। या कोई दिन भर रोला करता है तो उसको हम कहते हैं ये 24 घंटे रोला करता है, 24 घंटे रोला, है ना। इससे हमने एक ट्रिक बनाई, एक संकेत मिला हमें कि रोला जो है, रोला छंद में 24 मात्राएं होती है। 24 घंटे रोला यानी रोला छंद में 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में, सम्मात्रिक छंद हो गया। अच्छा, इसकी एक विशेषता और है, 11 और 13 पर यति होती है। 24 मात्राओं में 11 और 13 पर यति, मतलब यह है कि 11 पर 11 जब मात्राएं आ जाएगी, जब हम रोला छंद का वाचन करेंगे तो 11 मात्राएं आने पर हम यहाँ पर विराम लेंगे। रोला छंद छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत का प्रिय छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11 और 13 पर यति। जैसे मैथिलीशरण गुप्त की एक बहुत प्रसिद्ध रचना थी भारत भारती, सन 1912 में मैथिलीशरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की, और ये रचना खड़ी बोली के विकास में, खड़ी बोली की लोकप्रियता में विजय पताका सिद्ध हुई, ऐसा इतिहासकार नगेंद्र जी कहते हैं। और वास्तव में भारत भारती इतनी लोकप्रिय हुई कि मैथिलीशरण गुप्त को इसमें राष्ट्रीयता की भावना होने के कारण इस रचना को प्रतिबंधित कर दिया गया, और इसी रचना के कारण सन 1936 में महात्मा गांधी ने मैथिलीशरण गुप्त को भारत के राष्ट्रकवि की उपाधि दी, और गुप्त जी भारत में पहले राष्ट्रकवि कहलाए। भारत भारती की जो पंक्तियां हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर शोभित है। देखिए, हम इसका जब वाचन करते हैं तो नीलांबर परिधान इतना कहते ही हम रुकते हैं, तो आप इसमें यदि नीलांबर परिधान में यदि मात्राएं लगाएंगे तो 11 मात्राएं आएगी। देखिए, आपके सामने लगी हुई भी है, नी में 2, ला में 2, और ब में 1 और र में 1। परिधान में फिर देखिए, प में 1, र में छोटी की मात्रा इसलिए 1, धा में आ की मात्रा इसलिए 2, और न में 1। तो अब इनको हम जोड़ें न तक तो कुल 11 मात्राएं बनती है। हरित पट पर शोभित है, इसमें मात्राएं लगाएं तो 13 मात्राएं आएगी। इसी तरह अगली जो पंक्ति है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, तो सूर्य चंद्र युग मुकुट जो है इसमें आपके यहाँ तक 11 मात्राएं आएगी, और मेखला रत्नाकर है में 13 मात्राएं आएगी। तो इस तरीके से रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आएगी और 11 पर विराम होगा। नीलांबर परिधान हरित पट पर शोभित है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदियां प्रेम प्रवाह, अब नदियां प्रेम प्रवाह तक 11 मात्राएं, फूल तारा मंडल है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। तो इसमें आप प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं पाएंगे, और जब हम इसका वाचन करेंगे तो 11 मात्राओं पर रुकना पड़ता है। तो ये हुआ आपके रोला छंद। अब हम बात करते हैं गीतिका छंद की। देखिए, चौपाई में 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में, रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, है ना, 11 और 13 पर यति। उसके बाद में गीतिका छंद, गीतिका छंद में कुल 26 मात्राएं होती है, ये हमें याद रखना है। हम जब काव्यशास्त्र पढ़ते हैं और छंद पढ़ते हैं तो यहाँ एक समस्या होती है कि हम मात्राओं वगैरह की संख्या को भूल जाते हैं, याद नहीं रहती हमें कि किस छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो कुछ
हमें ऐसे तुक्के या कुछ ऐसे संकेत इजाद करने पड़ते हैं ताकि हमें वो याद रहें। चौपाई में 16, चौपाई में 15, रोला में 24, 24 घंटे रोला यानी रोला में 24। गीतिका छंद, देखिए गीत गीत और गान है ना, यूं तो हम प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व पर करते हैं, 26 जनवरी पर भी करते हैं, तो गीत और गान 26 जनवरी को गाए जाते हैं, तो 26 यानी गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में 26 मात्रा, और 14 और 12 पर यति यानी 14 जब मात्राएं होगी पूरी वहाँ पर हम रुकेंगे, विराम लेंगे, है ना। प्रत्येक चरण में 26 मात्रा, 14 और 12 पर विराम, ये गीतिका छंद का लक्षण है, विशेषता है जो हमें याद रखनी है। सम्मात्रिक छंद तो है ही, हम सम्मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। गीतिका छंद में जैसे ये हम पढ़ते हैं एक चरण, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। देखिए मैंने इसका वाचन किया है, तो गीतिका छंद में आपने यदि आपने मेरे वाचन को गौर किया है तो मैं कहीं कहीं रुकता हूँ। जैसे पहली पंक्ति देखिए, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, आनंद दाता पे मैं रुक रहा हूँ, रुक रहा हूँ, इसका मतलब ये है यहाँ पर 14 मात्राएँ पूरी हो गई, कुल पूरे चरण में 26 मात्राएँ, और वाचन के समय 14 पे रुकना पड़ता है, तो इसी को यति बोलते हैं, 14 और 12 पर यति। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए मैं, अब जब मात्राएं लगाएंगे तो 12 मात्राएं आएगी। शीघ्र सारे दुर्गुणों को 14 मात्राएं, दूर हमसे कीजिए 12 मात्राएं। अब उसके बाद में एक और छंद हम देखते हैं, हरि गीतिका छंद, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। देखिए हरि गीतिका में गीतिका से 2 मात्राएं अधिक होती है प्रत्येक चरण में, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28 मात्राएं। हरि गीतिका गीतिका से 2 वर्ण भी ज़्यादा हैं, हरि 2 वर्ण ज़्यादा हैं तो 2 मात्राएं भी ज़्यादा हो गई, 28 मात्राएं। 28 मात्राओं की एक विशेषता ये है कि 16 और 12 पर यति होगी, 5वीं 12वीं 19वीं 26वीं मात्रा सदैव लगी लघु होगी, तो 16 और 12 पर यति है ये हमें ध्यान में रखना है, मूलतः यही ध्यान में रखना है। 28 मात्राएं 16 और 12 पर यति का मतलब 16 पर हम रुकेंगे। जैसे एक हरि गीतिका छंद का उदाहरण मैं पढ़ रहा हूँ, रौद्र रस की पंक्तियाँ हैं, भगवान श्री कृष्ण जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार लेकर अर्जुन के पास आते हैं, अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र है, तो ये श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन को कौरवों पर अत्यंत क्रोध आता है। रौद्र रस की रचनाएं हिंदी साहित्य में 9 रस माने गए हैं। श्री कृष्ण के जो वचन हैं ये उद्दीपन का काम करते हैं और गुस्सा आता है अर्जुन को कौरवों पर, कौरव सेना पर, तो कौरव सेना उनके लिए यहाँ पर आलंबन बनी है, रौद्र रस का कारण बनी है, या आश्रय जो हैं वो अर्जुन हैं जिनके हृदय में रौद्र रस उत्पन्न हो रहा है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। देखिए हम जब उच्चारण करते हैं तो जहाँ रुकते हैं वह यति कहलाती है, वह विराम कहलाता है। श्री कृष्ण के सुन वचन यहाँ हम रुक रहे हैं, तो श्री कृष्ण के सुन वचन यहाँ जब हम मात्राएं गिनेंगे तो पूरी 16 मात्राएं आएगी। अर्जुन क्रोध से जलने लगे, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन यहाँ तक 16 मात्राएं आएगी, क्रोध से जलने लगे यहाँ पर 12 मात्राएं आएगी। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन
क्रोध से जलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो इसमें हम देखेंगे 16 और 12 प्रयति कारण ये छंद हरि गीतिका कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो ये लेसन पढ़ा है मात्रिक छंदों का, इसमें हमने कुल 5 छंद पढ़े, चौपाई, चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। तो आपको इस जो लेसन है, ये जो पाठ है, इसमें हमें आपको जो है ये 5 प्रश्न करने हैं। एक तो चौपाई और चौपाई छंद में अंतर बताइए, चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा आप लिखिए रोला छंद की विशेषताएं बताइए व उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। गीतिका व हरि गीतिका छंद के अंतर को स्पष्ट करते हुए इनके उदाहरण लिखिए। ये आपके आज का होम असाइनमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है और अपने घर में अपनी नोटबुक में करके मुझे व्हाट्सएप से प्रेषित करना है।